कैसे बनानी है। आज इंडिया की टीम में अगर कोहली जा रहे हैं तो जयसवाल उनके पीछे खड़े हुए हैं, अगर रोहित शर्मा जा रहे हैं तो केएल राहुल उनके पीछे खड़े हुए हैं, अगर आज रविंद्र जडेजा जा रहे हैं तो उनके पीछे अक्षर पटेल खड़े हुए हैं। उनकी टीम में हर खिलाड़ी का बैकअप मौजूद है। आपके पास कौन बैकअप? तो इवन विराट, इवन रोहित अगर किसी प्लेयर का जाके शुक्रिया करेंगे कि हम वर्ल्ड कप थैंक यू आपकी वजह से जीते, तो मेरे ख्याल वो बुमराह ही है। No top question. Of the ladder, the way he's performing, the control, the pace, the variations, he's just a complete bowler. खिलाड़ी नहीं थे जिनको सिर्फ थपथपी ही नहीं तो इसीलिए नहीं थी हुमा और अब्दुल्ला के आपके खिलाड़ियों का फोकस वर्ल्ड कप था ही नहीं। आपके खिलाड़ी पहली मर्तबा अमेरिका गए थे, घूमना चाहते थे, इंडिया की टीम न्यूयॉर्क में रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कोई वीडियो देखी इंडिया की टीम तक पहुंची है? जो हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं उसकी वजूहत होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे, नीचे अकेडमीज की फैसिलिटीज है। अंडरस्टैंड करना पड़ेगी कि भाई आपने सोशल मीडिया पर क्रिकेट नहीं खेलनी, वरना सोशल मीडिया पर विराट कोहली के जितने फॉलोअर्स हैं हमारी पूरी टीम के खिलाड़ियों के फॉलोअर्स नहीं है। ये बाद में तो इवन विराट, इवन रोहित अगर किसी प्लेयर का जाके शुक्रिया करेंगे कि हम वर्ल्ड कप थैंक यू आपकी वजह से जीते, तो मेरे ख्याल वो बुमराह ही है। बिल्कुल सही बादल ने बात की, क्योंकि सिर्फ आज नहीं बल्कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही हैज बीन एक्सेप्शनल विद हिज नंबर्स। मिसबा अगर आप देखें आज की, तो चलो आज का तो हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने मैच कैसे बचाया। ही वाज सो माइजरली विद द बॉल, ही डिडंट गिव अवे एनी रन्स, विकेट्स भी ली। बट जितने भी मैचेस इंडिया जीता है, फाइनल तक पहुंचा है, उसमें सबकी सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन इन्हीं की है। जो बात कर रहे हैं बाजिद, इनसेन किस्म की आई थिंक नंबर्स हैं, और कंसिस्टेंसी देखें, कोई एक मैच तो ऐसा होता है जिसपे आपको रन हो जाते हैं, कोई ऐसी पिच आ जाती है, कोई ऐसी टीम आ जाती है, थ्रू आउट हर मैच में छः से ऊपर इकॉनमी नहीं जा रही, और नए गेंद पे उन्होंने मुसीबत डाली हुई है, पुराना गेंद मिडिल में जब भी वो आते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप इतने कंसिस्टेंट होते हैं तो एक इतना बड़ा एक्स फैक्टर बन जाते हैं कि बैट्समैन की हिम्मत ही नहीं होती कि बुमराह को मैंने बाउंड्री मारने जाना है। और एग्जैक्टली यही हुआ है आज, उनके जो दो ओवर हैं उसमें देखें कि वो बैट्समैन कोशिश भी कुछ नहीं कर रहा कि मैंने कोई शॉट मारे, बट स्टिल ही इज़ अनप्लेएबल। भाई बिल्कुल फ्लैट पिच है, कुछ नहीं है, वो एंगल क्रिएट करना, ये जो अंदर बॉल आया है एंगल क्रिएट करके उसके बाद उसको रिस्ट के साथ पूरा इतना बड़ा गैप, जो ये टेस्ट मैच में ऐसी आपको विकेट्स नॉर्मली मिलते हैं, आउट करना, उनको पता था कि ये आखिरी उनका बैट्समैन है, इसके बाद बॉलर्स हैं, और उसके बाद गेट खुला तो देखें मैच कहां से कहां, दूसरे बॉलर्स के लिए भी एहसान किया फ्रॉम अ सिचुएशन जहां बिल्कुल मैच में कुछ बचा ही नहीं था। 24 बॉलों पे 24 रन ऑलमोस्ट, रन अप बॉल, और विकेटें आपके पास 5 पड़ी हुई हैं, तो वो ऐसी सिचुएशन थी इस पिच पे जहां किसी बॉलर से बॉलिंग नहीं हो रही। आई थिंक सही बात है बिल्कुल जो बाजिद ने कही है कि वो सिर्फ बुमराह के दो ओवर, हम उस वक्त बात कर रहे थे जब वो बोले दो ओवर बुमराह ही है, दो ओवर उस पे मैच कुछ भी होगा, अदरवाइज मैच खत्म है। बुमराह से भी अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो जो पाकिस्तान टीम ने सेल्फ बिलीव दिया उनको, 42 बॉल्स 42 रन्स, वहां से उनका वो सेल्फ बिलीव था उनमें कि कुछ भी हो जाए हम लोग वी गोना फाइट टिल द लास्ट बॉल। और ये एक ऐसी चीज होती है कि जब आपका बहुत सारा हार्डवर्क हो, बहुत सारा हार्डवर्क हो, और वो आपको सेल्फ बिलीव देता है कि नहीं हम किसी भी सिचुएशन में से मैच जीत सकते हैं। तो आई गेस इट शोज दीस काइंड ऑफ गेम्स जो है वो आपको ये बताती हैं कि फाइट टिल द एंड, और वो हमें दिखा उनमें। और एक और चीज हमें देखी वो थी बाजद इनकी अमेजिंग फील्डिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एक्चुअली दैट्स बीन वन ऑफ द थिंग्स दैट्स बीन द स्टैंड आउट, हर कोई बैटिंग और बॉलिंग की बात करे, लेकिन इंडिया की फील्डिंग इज एट नाउ यू नो यू वुड हैव टू से दैट इट्स एट पार विद the best fielding side. Wo jo ek catch tha, let's talk about that catch, because that catch in that situation, Bazit, thoughts on that? Aur camera angle bhi aisa zabardast hai ki wo cover ho gaya to hame bhi laga pata nahi chakka ho gaya nahi hua, lekin is situation mein matlab game changer ya ek aisa catch aap dekhte hain normally, but jo enormity of the situation thi usme aisa catch pakadna matlab तो ऐसी है कि ये विराट, रोहित, द्रविड सबके लिए रिटन इन द स्टार्स था, क्योंकि इस सिचुएशन में आप ये इमेजिन नहीं करते कि यार उसने मारी है हिट और बस 6 इंच इधर उधर छक्का हो गया, लेकिन फुल मतलब
ये तो रिप्ले है लेकिन वो तेज भागता हुआ आया, तेज भागते हुए आके कैच पकड़ा, बैलेंस रखे, बॉल को वापस फेंक गया, फिर वापस आया। मतलब आमतौर पे हम देखते हैं ऐसे कैच, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप के फाइनल में आखिरी सीम्स टू लव परफॉर्मिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, लास्ट टाइम भी उन्होंने किया था और पिछले मैच में भी जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए इंतहाई स्किलफुल बॉलर, ये तो हमें पता है। मेरे ख्याल अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में इससे ज़्यादा स्किलफुल बॉलर बहुत ही थोड़े हैं। लेकिन अगर आप इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने आफ्टर द गेम, वो ये कह रहा है कि इस पिच पे मुझे अपनी सारी स्किल्स नहीं डिस्प्ले करनी थी, मुझे शॉर्ट ऑफ लेंथ बेसिक बॉलिंग करनी थी। तो जो एडजस्टमेंट ऑफ लेंथ है, जो रीडिंग ऑफ द पिच एंड कंडीशंस है, जो मैच सिचुएशन रीडिंग है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। उस वजह से ही जो स्किल्स तो हैं उसके पास, लेकिन किस वक्त वो स्किल्स एम्प्लॉय करनी है वो उसको समझती है। और कल जब जब उसको रोहित शर्मा ने बॉल दिया है उसने डिलीवर किया, और डिलीवर इसलिए किया है क्योंकि उसने प्रेशर मेंटेन रखा है। वो ऐसे नहीं हुआ कि बुमराह को चौका लग गया या बुमराह को दो बॉलें उसने ऐसे कर दी। इवन पहला ओवर वो करने आया तो ऐसे नहीं हुआ कि आगे उसने सर्च किया कि जी मैं स्विंग के लिए सर्च करूं या मैं टांग पे उसका बॉल जा रहा है। तो वो इतनी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की और अपने आप को विद इन हिमसेल्फ, मतलब कहने को तो बाउंसर भी बड़ा अच्छा, उसका स्लोअर वन भी बड़ा अच्छा है, लेकिन वो यूज। लेट्स टॉक अबाउट बुमराह अगेन, बुमराह द अनप्लेएबल बुमराह, इट इज लाइक अ पैराडॉक्स नाउ फॉर ओपनिंग बैट्समैन। जी जी, आपका आपका सिलेक्टेड था, नो क्वेश्चन, द लैडर, द वे ही इज परफॉर्मिंग, द कंट्रोल, द पेस, द वेरिएशंस, इज जस्ट अ कंप्लीट बॉलर। जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे, वैसी स्विंग हो, नए गेंद से ऐसी पिच पे ऐसी कंडीशंस पे ऐसे बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के दो बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहां से पकड़ा, पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर बनना, सीनियर बनना एंड देन फिर कप्तान बनना और फिर एक ट्रॉफी, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है एक कप्तान के लिए, एक नेशन के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। तो आई मीन कि ये ट्रॉफी सिर्फ इसकी नहीं होगी, रोहित की नहीं होगी, ये पूरी इंडियन टीम, पूरी नेशन की होती है। तो देखें ये आज अगर उनकी क्रिकेट यहाँ तक पहुँची है, जो हम बैठे हुए यहाँ पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं उसकी वजूहत होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुँच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे, नीचे अकेडमीज की फैसिलिटीज देखें, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ गया। एक उनकी ये हॉलीवुड बॉलीवुड के बॉलीवुड और क्रिकेट, ये दो चीजें वहां पे बहुत ज्यादा, इट्स लाइक अ रिलीजन फॉर देम। लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया है ना, पैसा लगाया है, काम किया है, प्रोफेशनल लोगों को जोड़ा है, अपने अपने लोगों को उन्होंने अपने पाँव पे खड़ा किया, अपने कोचेस को उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। ठीक है, गोरों को भी आपने देखा होगा, बुलाया होगा, अब देखा जाए तो गोरे नहीं है, उनके अपने कोचेस उनके साथ हैं, गोरों को बुलाया, उनसे सीखा, वेरी गुड, उनसे सीखा, उनकी कोचेस की जो कोचेस हैं उनसे उनकी कोचिंग करवाई, उन्होंने देखा है, उन्होंने लिखा है, पढ़ा है, उन पे मेहनत की गई है। तो आज कोई भी गोरा नजर नहीं आ रहा उनकी टीम में जो उनको लेके चल रहा है। आपस के ही लोग हैं, अपने लोगों को आपने एम्पावरमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो अपने लोगों को आप अपने पांव पे खड़ा कर सकते हैं, टैलेंट है, लेकिन उनको मैनेज करना, उनको अवेयरनेस देना, उनकी ग्रूमिंग, ये सब कुछ उस जो इन्वेस्टमेंट है उसका हिस्सा है। चाहे हमारे एक्स क्रिकेटर हो, चाहे हमारे मौजूदा खिलाड़ी हों, बाबर आजम बिल्कुल रेस्ट नहीं करना चाहेंगे, रिजवान बिल्कुल रेस्ट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड को सोचना है कि आपने टीम कैसे बनानी है। आज इंडिया की टीम में अगर कोहली जा रहे हैं तो जयसवाल उनके पीछे खड़े हुए हैं, अगर रोहित शर्मा जा रहे हैं तो केएल राहुल उनके पीछे खड़े हुए हैं, अगर आज रविंद्र जडेजा जा रहे हैं तो उनके पीछे अक्षर पटेल खड़े हुए हैं। उनकी टीम में हर खिलाड़ी का बैकअप मौजूद है, आपके पास कौन बैकअप है? आजम खान। अब आपके क्रिकेट बोर्ड आके कह रहा है कि जी हम उन लड़कों को मौका देंगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलेंगे। तो पहला सवाल यह है कि मोहसिन रजा नकवी साहब अपना किबला दुरुस्त करें, कि अगर आप ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो सबसे पहले तो अगले 6 महीने के लिए आप ये बैन कर देंगे, हमारे खिलाड़ी दुनिया की किसी लीग में नहीं जाएंगे। घूम रहे सर, मुझे आप लीग का, आप मुझे इजाजतनामा दे दें, आप मैं फला लीग खेलने के लिए जा रहा हूँ, तो जब आप कैनेडियन लीग का क्या हुआ जा रहे हैं सर, तो फिर आप मुझे बताइए ना किधर है क्रिकेट बोर्ड की रेट? कोई नहीं है,
कहीं नहीं है वैसे, वी ऑल नो दैट एंड दिस इज अ ट्रेजेडी, बट दैट इज द ट्रेजेडी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर हम ना सीखें तो हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अच्छा ये बताएं कि वो प्रोफेशनल हैं और उन्होंने सिर्फ आके खिलाड़ियों को थपथपी देनी थी, वही बॉल था वही बैट था, ये वो खिलाड़ी नहीं थे जिनको सिर्फ थपथपी ही नहीं, तो इसीलिए नहीं थी हुमा और अब्दुल्ला के आपके खिलाड़ियों का फोकस वर्ल्ड कप था ही नहीं। आपके खिलाड़ी पहली मर्तबा अमेरिका गए थे, घूमना चाहते थे, इंडिया की टीम न्यूयॉर्क में रही। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कोई वीडियो देखी इंडिया की टीम की, कोई तस्वीर देखी, उनके खिलाड़ी भी बाहर निकले खाना खाने के लिए, मैं अब आपको क्या बताऊँ। लेकिन बात दरअसल ये है कि मैं ये कहता हूँ कि आप फैमिली को भी लेकर जाएं, दूसरी टीमें भी फैमिली को लेकर आती हैं, दो मैचों के बाद उनकी फैमिली अलग हो जाती है। अगर उनकी फैमिली टीम के साथ भी है, आपने देखा रोहित शर्मा को वो अपनी बेटी को कंधे पे लेके घूम रहे थे बारबाडोस के फाइनल में, उससे पहले आपने कोई वो वीडियो देखी उनकी। लेकिन हमारे जो सबसे बड़ा मसला है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप क्रिकेट खेलने के लिए गए हैं, अगर आप लड़कर हार जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप गिव अप कर देंगे तो सवाल उठेंगे। आपके लिए सबसे बड़ा लम्हा फिक्र यह है कि अमरीका अफगानिस्तान नॉकआउट मरहले में गए हैं और ये वो मुल्क है जहां पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट ही नहीं होती। बट क्या तुक था उस वक्त कप्तान को चेंज करते? देखिए ये क्रिकेटिंग डिसीजन था ही नहीं, ये एक पॉपुलर डिसीजन था। आपको पता है हर क्रिकेट पॉपुलैरिटी कहां से आ रही थी, वो यहां से कहीं हमारे सोशल मीडिया कोई पोस्टर ने भेज रहा था। अंडरस्टैंड करना पड़ेगी, अब आपको ये बात अंडरस्टैंड करना पड़ेगी कि भाई आपने सोशल मीडिया पर क्रिकेट नहीं खेलनी, वरना सोशल मीडिया पर विराट कोहली के जितने फॉलोअर्स हैं हमारी पूरी टीम के खिलाड़ियों के फॉलोअर्स नहीं हैं। अपनी पीआर फर्म्स हैं जो इन्होंने हायर की हुई हैं। आपने देखा कि विराट कोहली को उनकी पीआर फर्म ने, उनके मैनेजर्स ने 7 मैचों की नाकस कारकर्दगी के बाद उठाया हो कि जी विराट कोहली फाइनल में खेलेंगे, उसने अपने बल्ले से जवाब दिया। लेकिन तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, जो हमारी टीम इंडिया है वो वर्ल्ड कप जीत चुकी है और जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इंडिया की तारीफों के पुल बांध रही है कि कैसे उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी है, और जो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, उनके बारे में बता रही है, और जो बुमराह है उनकी तो अलग ही तारीफ चल रही है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर, क्योंकि बुमराह की जो बॉलिंग है वो पूरी दुनिया में सबसे अलग है, और जो स्टैट वर्ल्ड कप में उन्होंने दिए हैं 4 से भी कम की इकोनॉमी में जो उन्होंने बॉलिंग कराई है उसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया हक्का बक्का रह चुका है। वह समझते थे कि सबसे फास्ट बॉलिंग उन्हीं की सबसे अच्छी है, लेकिन बुमराह ने उन सबका मुँह बंद कर दिया है। और साथ ही में रोहित की कप्तानी के ऊपर भी बहुत सारे बातें पाकिस्तानी मीडिया में कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।